दोस्तों क्या हो यदि इंसानों की बॉडी पर फंगस उगने लग जाए। इस कहानी की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के जंगलों से होती है। दो फॉरेस्ट्री सर्विस के कर्मचारी नदी में डोंगी की सवारी कर रहे हैं। वे साउथ अफ्रीका के एक अनजान जंगल में यात्रा कर रहे हैं। नदी चारों तरफ से घनी हरियाली से घिरी हुई है। एक फॉरेस्ट्री सर्विस की एम्प्लॉय जिसका नाम गेबी है जंगल में अपने ड्रोन को कंट्रोल कर रही है। एक स्टीफन नाम का लड़का अचानक इसके सामने आ जाता है जिस वजह से ड्रोन उसे हिट करता है और शट डाउन हो जाता है। उसके बाद एक अफ्रीकी आदमी विंस्टन उसे ड्रोन का पता लगाने के लिए एक घंटे का टाइम देता है। खतरे के बारे में जानते हुए भी वे जंगल के अंदर चली जाती है। कुछ समय बाद जैसे ही गेबी ड्रोन को खोजने के लिए इधर उधर घूमती है तभी स्टीफन और उसके पिता बारेंड जो कि मिट्टी से लिपटे हुए हैं कुछ मटेरियल से बने एक जाल को पकड़ रहे हैं। पिता और बेटा एक जाल बिछा रहे हैं। वे अपने शरीर को ढकने के लिए जंगल से मटेरियल इकट्ठा करते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं पहना था। बस उनकी कमर के चारों ओर पेड़ के पत्ते बंधे हुए हैं। वे स्टिक की तरह पतले दिख रहे हैं जैसे मानो उन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया हो। विंस्टन जंगल के दूसरी तरफ है और वे आराम से गेबी के आने का इंतजार कर रहा है। वे अपना रेडियो टेलीफोन साथ नहीं लाया जिस वजह से गेबी उससे कॉन्टेक्ट नहीं कर सकती। इसी बीच गेबी अपने आसपास की जगह से थोड़ी परेशान होने लगती है। वे नोटिस करती है कि कोई उस पर जासूसी कर रहा है। वे विंस्टन को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता इसलिए वे उस जगह से दूर भागने लगती है। लेकिन अंत में वह उस जाल में फंस जाती है जिसको बारेंड और स्टीफन ने शिकार के लिए लगाया था। इसके बाद एक नुकीली लकड़ी उसके लेफ्ट पैर से टकराती है जिस वजह से वे दर्द में चीखती है। ये उसके पैर में छेद कर देती है और उसे चलने में काफी परेशानी होती है। दूसरी तरफ विंस्टन को दूर से चीख सुनाई देती है। वे तुरंत अपना रेडियो टेलीफोन लेने के लिए डोंगी के पास जाता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पानी से भीग जाता है। अब उसके पास कोई चॉइस नहीं है, उसे गेबी को अपने आप ढूंढना होगा। वे डोंगी में बैठता है और गेबी का पता लगाने के लिए उसका नाम पुकारता है। जंगल में एक रेड लाइट चमकना शुरू कर देती है। जंगल कुछ अजीब गरीब रंग में तब्दील हो जाता है। पेड़ चरमरा रहे हैं और रात ढलते ही ये और भी खतरनाक हो जाता है। लेकिन फॉरेस्ट एम्प्लॉयज अब भी एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। गेबी इस अजीब से फिनोमिना को देखकर क्यूरियस हो जाती है इसलिए वे उस लाइट को फॉलो करती है। वे जंगल के बीच एक पुराने लकड़ी के घर को देखती है। इसी बीच विंस्टन को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पहले तो वे सोचता है कि ये सिर्फ एक मशरूम है लेकिन वे प्राणी उससे छिपने की कोशिश करता है और वे इस अजीब से प्राणी से दूर भागने की कोशिश करता है जिस वजह से वे एक छोटे कीचड़ के ताल में फंस जाता है। गेबी घर के दरवाजे को खटखटाती है ताकि कोई दरवाजा खोलकर उसे अंदर आने दे। उसके पैर में दर्द होता है। वे थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहती है और वे लकी है कि उसे ये घर मिल गया। जब कोई जवाब नहीं देता तो गेबी के पास कोई चॉइस नहीं रहती और वे घर के अंदर चली जाती है। गेबी अपने फोन की फ्लैशलाइट का यूज करके केबिन में चारों तरफ देखती है। उसे पता चलता है कि कोने में रैंडम स्टफ के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। उसके बाद वे ब्लैंकेट पर लेट जाती है और ब्लड को रोकने के लिए अपने पैर पर पट्टी बांधती है। अगले दिन वे एक बुरे सपने से जागती है। इसके बाद दरवाजा खुलता है और बारेंड और स्टीफन दिखाई देते हैं जो अपने बाले धनुष और कुछ अन्य मटेरियल के साथ शिकार पर निकले हुए हैं। जब बारेंड उससे बात करता है तो गेबी डर जाती है लेकिन वे उसे कहती है कि वे अकेली नहीं है। इसी बीच विंस्टन जंगल में भटक रहा है जो अब भी उस घुराने वाली आवाज के बारे में श्योर नहीं है जो पता नहीं कहां से आ रही है। दूसरी तरफ गेबी उनके साथ कीड़े और मीट का डिनर करती है। इसी बीच ये स्पष्ट हो जाता है कि बारेंड का बेटा स्टीफन ज्यादा बातूनी नहीं है। वे चुपचाप अपने पिता की बातें सुन रहा है और गेबी उनसे पूछती है कि इस सिटी में रहकर कैसा लगता है। इसी बीच वे प्राणी धीरे धीरे जमीन पर आ जाता है। वे विंस्टन की ओर देखता है और जमीन पर अपने कदमों को रखता है। उसकी भारी मोटी त्वचा की वजह से वे भयानक दिखता है जो एक पेड़ के तने के जैसा है और वे खतरनाक चीखें निकालता है। बिना किसी झिझक के विंस्टन जल्दबाजी में पीछे हट जाता है। वे एक बड़े पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश करता है लेकिन वे अब भी आने वाले खतरे से दूर नहीं जा सका। जहाँ वे छिपा हुआ है वहाँ पेड़ पर रेंगती हुई शाखाएं चल रही है और उसके पास पहुँचने की कोशिश कर रही है। उसके बाद वे उसके शरीर में घुस जाती है और वे कुछ नहीं कर सकता। अब बस उसका भी रूप उस प्राणी की तरह होने लगता है। अगले दिन बारेंड और स्टीफन गेबी के गाँव को साफ करते हैं। गाँव को साफ करते हुए स्टीफन उसे टच करता है क्योंकि वे धीरे धीरे उससे अटैच होने लगता है। उसके गाँवों का इलाज करने के बाद पिता और बेटा भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। कुछ देर बाद गेबी उठती है और कुछ फंगस को देखकर हैरान हो जाती है जो उसकी बाहों से निकल रहे हैं। वे इसे हटाने की कोशिश करती है जिस वजह से उसे काफी दर्द होता है।
उसके बाद वे अपना रेडियो टेलीफोन उठाती है और उम्मीद करती है कि विंस्टन उसका रिस्पॉन्ड करेगा। वे हार मानने वाली होती है, तभी उसके रेडियो टेलीफोन में कुछ कटती हुई आवाज आती है और वे विंस्टन को साफ तरीके से सुन नहीं पाती। वे ऐसे लग रहा है, गैबी इसे नजरअंदाज करने का फैसला करती है इस उम्मीद के साथ कि वे उससे जल्दी मिलने वाली है। गैबी को अपने साथी की लोकेशन का पता लगाने के लिए एक आइडिया आता है। वे एक छोटी सी चिमनी में आग जलाना चाहती है। इसी बीच गैबी को फर्श के नीचे एक सीक्रेट कंपार्टमेंट का पता चलता है। वहाँ उसे मैकेनिकल स्टाफ के साथ एक महिला की तस्वीर मिलती है। कुछ देर बाद बारेंड के आने से वे तुरंत उस जगह से दूर हो जाती है। बारेंड आग पर पानी डालकर उसे बुझा देता है और गैबी को वार्न करता है कि वे उजाले में आग नहीं जलाते। इसी बीच गैबी उस महिला के बारे में पूछती है जो उस तस्वीर में है। बारेंड कहता है कि ये उसकी वाइफ है जो 13 साल पहले हड्डी के कैंसर से मर गई थी। वे ये भी कहता है कि वे एक प्लांट रोग विज्ञानी थे। जैसे ही सूरज ढलता है चारों तरफ शांति छा जाती है। एक प्राणी केबिन के अंदर घुस जाता है। गैबी अपनी बॉडी पर कीचड़ का लेप करती है, ठीक जैसा बारेंड और स्टीफन ने किया हुआ है। ये उस प्राणी को उन्हें सूंघने से रोकता है जबकि स्टीफन उस दरवाजे की ओर घूर रहा है। जानवर की मोटी शाखाएं और छोटे रेसे वाले हाथ धीरे धीरे गैबी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन बारेंड उसे जल्दी से काट देता है। क्रिएचर को काफी गुस्सा आने लगता है। वे देख नहीं सकता लेकिन उसके कान बहुत तेज है। गैबी मॉन्स्टर को देखकर हैरान हो जाती है। स्टीफन बिना टाइम वेस्ट किए हुए उस क्रिएचर को मारने लगता है, जिस वजह से उसका ब्लड गैबी पर गिरने लगता है। जब मॉन्स्टर मर जाता है तब स्टीफन गैबी के पास आकर उसके कपड़े उतारता है और फिर गैबी के स्किन पर लगे हुए ब्लड को पूछता है ताकि उसे संक्रमित होने से रोका जा सके। बारेंड एक्सप्लेन करता है कि मॉन्स्टर इंसान की बॉडी, उसकी आंखों, मुंह और फेफड़ों पर कब्जा कर लेता है, फिर एक फंजाई नेटवर्क से जुड़ जाता है और अंत में इसी प्रक्रिया को दोबारा दोहराता है और ये जंगल में आग की तरह फैल रहा है। अगले दिन गैबी स्टीफन को अपना फोन दिखाती है जो इस डिवाइस को देखकर अचंभित हो जाता है। हालांकि उसके पिता इस फोन को दीवार पर फेंक देते हैं। वे ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल करने के लिए अपने बेटे पर चिल्लाता है। उसके बाद बेटा और पिता उस पेड़ को प्रसाद चढ़ाने के लिए जाते हैं जिसके अंदर अजीब से फंगस है। जब वे दोनों बाहर होते हैं गैबी अपार्टमेंट में सुराग ढूंढने की कोशिश करती है। वहाँ उसे ब्रांडे के लिखे हुए कुछ पन्ने मिलते हैं जिसमें लिखा गया है, मानवता का भविष्य देखने के लिए कैद में बंद बंदरों को देखना चाहिए। जब बारेंड और उसका बेटा घर आते हैं तो वे गैबी के साथी की तलाश करने के लिए प्लान बनाते हैं। हालांकि स्टीफन उनके साथ जाना चाहता है लेकिन उसके पिता उसे साथ चलने के लिए मना कर देते हैं। चलते समय गैबी को विंस्टन की टॉर्च मिलती है। वे अनुमान लगाती है कि वे यहीं कहीं आसपास के एरिया में होगा। गैबी कैमरा में से एसडी कार्ड को बाहर निकालती है। उसके बाद गैबी और बारेंड को विंस्टन की बॉडी मिलती है जो फंगस से ढकी हुई है। विंस्टन उस प्राणी की तरह बनने के बजाय अपने आप को मारने के लिए कहता है। उसके लिए अंत में इंसान की मौत सबसे ज्यादा मायने रखती है, न कि किसी मॉन्स्टर में बदलना। विंस्टन जीवित बच सकता था क्योंकि वे इंटेलिजेंट है। वे जंगल में होने वाली घटनाओं के बारे में थ्योरीज बना सकता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे मरना पड़ता है। एक दिन गैबी के पैरों पर फंगस दिखने लगते हैं। स्टीफन उसे अपने पिता द्वारा दी गई फंजाई को खिलाकर उसकी हेल्प करता है ताकि वे उसे मॉन्स्टर में बदलने से रोक सके। इसके बाद स्टीफन गैबी को उसकी माँ के पास ले जाता है क्योंकि वे उसे दिखाना चाहता है कि ऑर्गेनिज्म से जुड़ने के बाद उसकी फैमिली का क्या हुआ था। वे आश्चर्य करती है कि उसकी माँ एक जीवित पेड़ बन चुकी है। गैबी को एक वेडिंग रिंग दिखती है और वे अब भी उस बदली हुई अंगुलियों से जुड़ी हुई है। ये देखकर उसे और चिंता होने लगती है। वे अपना टूटा हुआ फोन खोलने की कोशिश करती है और ये देखकर खुश हो जाती है कि वे अब भी काम कर रहा है। गैबी कैमरा से मिले एसडी कार्ड को इसमें डालती है जिसे उसने और विंस्टन ने जंगल में लगाया था। इसमें उसे प्राणियों की तस्वीरें मिलती है। उन्हें देखते हुए बारेंड उनके लापरवाह कार्यों के कारण मानवता के भविष्य के बारे में चिल्लाता है। गैबी अपनी क्यूरियोसिटी के लिए उसके शब्दों के पीछे का अर्थ जानने के लिए उत्सुक होती है। बारेंड उसे इन अलौकिक प्राणियों के स्रोत तक ले जाता है। वे पिता और बेटे के पेड़ के साथ अजीब कनेक्शन की कल्पना करने लगती है जो जंगल में रहस्यमय घटनाओं के लिए प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करता है। वहाँ वे बारेंड को पेड़ के साथ कुछ पल शेयर करते हुए देखती है। वे हैरान हो जाती है और इस जंगल से बाहर निकलना चाहती है। उस रात वे स्टीफन के साथ वहाँ से भागने लगती है लेकिन बारेंड उनका रास्ता रोक देता है। वे अपने बेटे को समझाता है कि बाहरी दुनिया खतरनाक। गैबी निराश हो जाती है क्योंकि स्टीफन अपने पिता से सहमत हो जाता है। गैबी स्टीफन के भाग्य को उसके पिता के हाथों में देकर चिंता करने लगती है। इस सब का ध्यान होते हुए भी यदि वे स्टीफन को यहाँ से दूर नहीं ले जा पाई तो उसे हमेशा इस बात का पछतावा होगा, इसलिए वे उसे बचाने के लिए फिर से घर की ओर चली जाती है। पिता और बेटा घर पर नहीं है। वे एक धनुष और बाण पकड़ती है। इसी बीच स्टीफन के पिता उसे बलिदान के लिए उस जीव को सौंप देते हैं। स्टीफन भागने की कोशिश करता है लेकिन जड़े उसके हाथों को कसकर पकड़ लेती है। इस बार गैबी उसे बचाने के लिए वहाँ आती है।
लेकिन प्राणी उन दोनों से छुटकारा पाने के लिए बारेंडे की मदद करता है। इसके बाद स्टीफन अपने आप को रिलीज करने में सक्षम हो जाता है। इसी बीच उसके पिता गेबी को मारने वाले होते हैं, लेकिन स्टीफन पीछे से आकर उसे जोर से हिट करता है। बारेंड को नुकसान पहुंचाने की वजह से वे दोनों वहां से भाग जाते हैं। वे रात बिताने के लिए फिर से उस घर में आ जाते हैं। हालांकि बारेंड को जंगल में छोड़ दिया गया था, इसलिए ऑर्गेनिज्म उसे उनमें से एक में बदल देता है। उसके बेटे के बजाय अब पिता को बलिदान देना पड़ेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे उन्हें खुश करने के लिए क्या करता है। भूख के कारण ऑर्गेनिज्म उसकी कोई बात नहीं सुनता। बारेंड ऐसा है जमीन पर पड़ा हुआ है और ऑर्गेनिज्म उसके शरीर को खा रहे हैं। अगले दिन गेबी को एक किताब मिलती है जो बारेंडे की लिखी हुई थी। वे मानवता को आने वाली मुसीबत के बारे में अलर्ट करता है। गेबी को बारेंड के लॉजिक के पीछे का अर्थ समझ में नहीं आता। फाइनली उसका भी दिन आ जाता है। गेबी अब शेर नहीं जा सकती क्योंकि उसका पूरा शरीर जीवों से संक्रमित हो चुका है। उसकी पूरी बॉडी अनगिनत फंगस से ढक चुकी है। उसके पास इस जंगल में रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बचने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए वे स्टीफन को उसे मारने की विनती करती है और वे ऐसा ही करता है। उसके पास उसे वहीं छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचता क्योंकि अब वे भी उसके माता पिता की तरह इस जंगल का पार्ट बन चुकी है। स्टीफन अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए शहर की ओर चला जाता है। वे चुपचाप रेस्टोरेंट में खाना खाता है और भोजन करने के बाद खड़ा होता है और वहां से चला जाता है। फिर वे देखता है कि भोजन में बहुत सारे मोल्ड और फंगस बनने लगे हैं। इस तरह इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।